हेलो गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम आलू लेंगे और उसे अच्छे से धो के बॉईल कर लेंगे 3-4 सीटी आने तक। चलिए जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं। मीठी चटनी के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें थे थोड़ी कलौंजी, थोड़ा जीरा, गुड़ और ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक डालकर अच्छे से इसे तेज आंच पर हमें इसे 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा होने के लिए एक बोल में निकाल लेते हैं। ये ठंडे होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, चलिए इसे हम पील कर लेते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से पील कर लीजिए और सारे आलू हमने पील कर लिए हैं और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी चाट लगता है, फटाफट बन जाता है। चलिए अब हम डो लगा लेते हैं। 2 कप मैदा लीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक और 2 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम चलिए एक डो बना लेते हैं। बहुत ही हमें इसे सॉफ्ट आटा नहीं गूंथना है, जिस तरह से हम पूड़ी वाला उस तरह बनाना है। और चलिए 10 मिनट रेस्ट के बाद अब हम पापड़ी बना लेते हैं इसके। चलिए छोटे छोटे पेड़े कट कर लीजिए और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे और बेल कर इसमें हम फोक की मदद से इस तरह से होल कर देंगे, नहीं तो ये पूड़ियों की तरह फूलने लगेंगे। इस तरह से होल कर दीजिए और चलिए कढ़ाई हम चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल देते हैं और तेल गरम हो जाने देते हैं। तेल चलिए गरम हो गया, ये डाल देते हैं हम पापड़ी इसमें। इस तरह से तेज आंच पे डाल दीजिए। सारे पापड़ी हमने बेल लिया है और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, हमें क्रिस्प होने तक तल लेना है। पहले तेज आंच पे इसे हमें तलना है, फिर थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो पे कुक करेंगे और ये खूब करारी करारी पापड़ियाँ बन जाएंगी फटाफट ही। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसे पलट कर अच्छे से फिर दूसरे साइड से भी कुक हो जाने देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पापड़ियाँ तैयार हो गई हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। इस तरह से सारे प्लेट में निकाल लीजिए और दूसरा बैच भी हम तल लेते हैं। हमने बेल कर रख दिया था फटाफट, इसे भी तल लिया जाए। सेम प्रोसेस से इसे भी तल लेना है हमें। शाम के स्नैक्स के लिए बहुत बढ़िया ही पापड़ी चाट बनकर तैयार हो जाता है फटाफट। जब भी मन करे इस तरह से बनाइए और घर पे ही स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट एंजॉय करिए। चलिए देखिए कितना क्रिस्प बना है। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। पापड़ी लगा लीजिए इस तरह से प्लेट में सारे, उसके ऊपर अब हम चॉप किए हुए आलूओं को डाल देंगे इस तरह से साड़ी पापड़ी पे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट या थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें इसके ऊपर मीट, ये ग्रीन चटनी है और फिर हम मीठी चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डाल दीजिए मीठी चटनी और फटाफट ये स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट घर में एंजॉय कीजिए और गार्निश कीजिए। देखिए कितना झटपट स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट तैयार हो गया। गार्निश कीजिए थोड़े से कोरिएंडर से।
थोड़ा सा सेव उसमें डाल देंगे। और लीजिए, तैयार हो गया स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट। घर पे ही एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।